आज के इस वीडियो में हम आपको उन महान लोगों के अंतिम शब्दों को बताएंगे जो मरने से पहले उन लोगों ने बोले थे। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर वन, जैक डैनियल्स। जैक डैनियल्स दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब की ब्रांड टेनेसी विस्की के फाउंडर थे। जैक डैनियल का असल नाम जैस्पर न्यूटन डैनियल था, लेकिन वे जैक डैनियल के नाम से मशहूर हुए। जैक के 10 भाई बहन थे। जैक के जन्म के तुरंत बाद उनकी माँ का निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, सौतेली माँ से उसकी नहीं बनती थी, जिस वजह से वह घर से भाग गया। वह एक स्थानीय मंत्री और विस्की के व्यापारी के यहाँ चला गया। बाद में उन्होंने स्थानीय मंत्री के मधुशाला को खरीद लिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी विस्की बनाने की फैक्ट्री विरासत में उनके दो भतीजों को मिली। ले मोटलो ने अपने चचेरे भाई से उसे खरीद कर अपने बच्चों को विरासत में दे दिया। मोटलो के 4 बच्चे थे, जिन्होंने विस्की बनाने की फैक्ट्री को 1956 में ब्राउन फोरमन कॉरपोरेशन को बेच दी। और मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, वन लास्ट ड्रिंक प्लीज। नंबर 2, कार्ल मार्क। कार्ल मार्क एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक, सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। मार्क्स ने ही आधुनिक एवं वैज्ञानिक समाजवाद की खोज की थी, जिसमें एक ऐसे समाज की परिकल्पना की गई जिसमें कोई संपत्ति निजी नहीं होती। उनके सिद्धांतों और विचारों को ही मार्क्सिज्म कहा जाता है, जिसमें समाजवाद और कम्युनिस्ट की बात की गई थी, जिसके अनुसार आर्थिक और सरकारी तंत्र में नागरिकों के पास समान प्रॉपर्टी और निजता को महत्व दिया गया था, और ये आंदोलन ही पूरी दुनिया में फैला। सन 1883 में जब उनका आखिरी वक्त था, तब उनकी हाउसकीपर उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या आप कोई आखिरी शब्द बोलना चाहते हैं। तब कार्ल मार्क्स ने कहा कि जाओ, यहाँ से चली जाओ। आखिरी शब्द उन बेवकूफ लोगों के होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बोल पाए। नंबर 3, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। वॉल्ट डिज्नी का पूरा जन्म नाम वॉल्टर एलियास डिज्नी था। उनका जन्म शिकागो में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लिलियन बाउंड्स डिज्नी था। वे एक समाज सेवक, अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक, एनिमेटर, उद्यमी एवं लेखक थे। एक समय में वॉल्ट डिज्नी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए थे। उन्होंने अपने भाई रॉय ओ डिज्नी के साथ संयुक्त रूप से वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस की स्थापना की थी। इस कंपनी द्वारा बनाया गया मशहूर कार्टून मिकी माउस है। वॉल्ट डिज्नी के संयुक्त रूप से स्थापित निगम को अब वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसका सालाना कारोबार 35 अरब अमेरिका डॉलर के बराबर का है। एनिमेशन के बादशाह वॉल्ट डिज्नी का बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, और इनके कोई आखिरी शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आखिरी वक्त में एक पेपर में कर्ट रसेल का नाम लिखा था, जिसके पीछे का लॉजिक आज तक किसी को पता नहीं चला। नंबर 4, महात्मा गांधी। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन सेनानियों ने अपना योगदान दिया, उसमें गांधी जी का नाम सबसे पहले आता है। यदि महात्मा गांधी के आखिरी शब्द की बात करें, तो हर किसी को पता है कि उन्होंने 3 बार हे राम हे राम हे राम कहा था। नंबर 5, अब्दुल कलाम। कलाम साहब हमें जुलाई 2015 में छोड़कर चले गए। कलाम साहब का निधन मेघालय के शिलोंग में लेक्चर देते वक्त हुआ था। वो स्टेज पर चढ़े और 2 शब्द बोलने के बाद उन्हें अटैक आया, जिसके तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। और उनके स्टेज पर आखिरी शब्द थे, इस दुनिया को जीने लायक कैसे बनाएं। नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है, प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने मरने से पहले अपने सिपाहियों से कहा था कि मेरी लाश अंग्रेजों को नहीं मिलनी चाहिए।
नंबर 7 चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन अंग्रेजी हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे, जो कि मौनी युग में प्रसिद्ध थे। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन का करियर उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु के एक साल पहले तक 75 साल तक चला। चैपलिन ने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। इन्होंने बहुत सी फिल्मों का भी निर्माण किया, साथ ही वे मौनी युग की हास्य कला में माहिर थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में लोगों के दिलों में जगह बना ली। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो उनके सामने प्रीस्ट ने पढ़कर ये बोला कि हे प्रभु, आपकी आत्मा पर दया करें। तब चार्ली चैपलिन ने कहा था, क्यों नहीं, ये सब उन्हीं का तो है। नंबर 8 थॉमस एडिसन। महान अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट है, जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानी जाती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला नहीं खोया। वही बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। लैंप के आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन ने मरने से पहले अपनी बीवी से कहा था कि बाहर का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 9 स्टीव जॉब्स। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के रचयिता स्टीव जॉब्स का जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने 56 साल के छोटे से जीवन काल में बहुत से बड़े महान कार्य किए और दुनिया को बता दिया कि अगर कोई इंसान किसी चीज को पूरे मन और दिल से करना चाहे, तो उसे कोई नहीं रोक सकता और न कोई हरा सकता है। स्टीव जॉब्स ने किसी बड़ी डिग्री को हासिल नहीं किया था, इसके बावजूद दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का उन्होंने निर्माण किया, जो अच्छे अच्छे इंजीनियरों के जीवन का बस सपना बन के रह जाता है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स से अपने अंतिम समय में अपनी बीवी के सामने देखा, फिर अपने बच्चों के सामने देखा और फिर बोले, ओह वाव, ओह वाव, ओह वाव। नंबर 10 अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक ऐसे शख्स जिन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि यही वो महान वैज्ञानिक है जिसने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं, जिसे पूरा विश्व सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उसके कामों के सम्मुख बोना पड़ता है। ये महान व्यक्ति और कोई नहीं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अस्पताल में थे और डॉक्टर ने उन्हें आखिरी सर्जरी करने के लिए कहा, तब उन्होंने कहा था कि मुझे जितना जीना था उतना मैंने जी लिया और जितना योगदान इस पृथ्वी को देना था मैंने दे दिया। नंबर 12 पॉल वॉकर। दोस्तों, पॉल के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के एक लीडिंग एक्टर थे। उनका निधन कार एक्सीडेंट में हुआ था और उन्होंने आखिरी बार रोजर रोडा से कहा था, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, चलो ड्राइव पर चलते हैं। नंबर 13 मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट फ्रांस की आखिरी महारानी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। जब रानी को मैरी एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा था, तब गलती से इनका पैर एक एग्जीक्यूशनर के पैर पर रख जाता है। तब रानी कहती है, माफ कीजिएगा सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। नंबर 14 नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस का नाम तो आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, जिन्होंने दुनिया की न जाने कितनी सारी भविष्यवाणियां की थी और मरने से पहले भी उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में एक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने शाम को ये बोला था कि तुम मुझे सुबह होने तक जिंदा नहीं पाओगे, और जैसा कि उन्होंने कहा और भविष्यवाणी की, वैसा ही हुआ। नंबर 15 इंदिरा गांधी। नमस्ते, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर ने उन दो गार्ड्स को अभिवादन करते हुए कहा था, जिन्होंने कुछ ही सेकंड बाद उन पर गोलियां चला दी थी। नंबर 16 राफेल। राफेल 15वीं सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर थे। इनकी गिनती दुनिया के ग्रेट आर्टिस्ट में की जाती है। इन्होंने मरते वक्त हैप्पी कहा था। राफेल हैप्पी के अलावा और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाए। नंबर 17 निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर थे।
इन्हें अक्सर इटालियन मॉडर्न पॉलिटिकल फादर कहा जाता है। इनके आखिरी शब्द ये थे, मैं स्वर्ग की जगह नर्क में जाना चाहता हूँ। नर्क में मुझे राजा महाराजा जैसे लोगों का साथ मिलेगा और स्वर्ग में सिर्फ भिखारियों और सन्यासियों का। नंबर 18, मार्को पोलो। मार्को पोलो एक यूरोपियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 13th सेंचुरी में यूरोप से एशिया की यात्रा की थी और इन्होंने 17 साल चाइना में भी बिताए थे। मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखा है उसका आधा भी नहीं कहा है। नंबर 19, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे। इन्हें इतिहास का सबसे महान बायोलॉजिस्ट माना जाता है। डार्विन को साइंस ऑफ इवोल्यूशन में दिए गए उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। मृत्यु के पहले इन्होंने बोला था कि मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। कौन व्यक्ति मरते वक्त ऐसे शब्द पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता है। नंबर 20, बॉब मार्ले। बॉब मार्ले जमैका के एक गायक, गीतकार और संगीतकार थे। वेस्का, रॉक स्टेडी और रेगे बैंड और बॉब मार्ले एंड द वेलर्स के लिए मुख्य गायक, गीतकार और गिटार वादक थे। मरते वक्त इन्होंने कहा कि पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।